हेलो एंड व्हाट्सअप तो कैसे आप सब लोग। तो आज हम जिस मूवी पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मेरी प्यारी बिंदु। यह मूवी 12 मई 2017 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय हैं। इस मूवी को 69% लोगों ने पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। मेरी प्यारी बिंदु 2017 की अक्षय रॉय द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेमकारी फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में। मेरी प्यारी बिंदु सफल नहीं रही क्योंकि ये कहानी कुछ बोरिंग टाइप थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय थे, निर्माता आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा थे। अभिनेता के तौर पर आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य किरदार के रूप में नजर आते हैं। संगीतकार सचिन जिगर थे। वहीं यशराज फिल्म द्वारा इस मूवी को प्रेजेंट किया गया था। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी के स्टार्टिंग एक न्यूज स्टूडियो से शुरू होती है, जहां पे आयुष्मान खुराना एक औरत के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है। जहां पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। उसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे क्लियर करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर अपनी मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, कि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है तब उसे याद आता है एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। के बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी जो अपने सामान के साथ सामान के बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत होती थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी, लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं। फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जीवन के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी, जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहां उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है।
के बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज करता है शादी के लिए। वहाँ पर बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूजियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। इसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार टूटा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर पर जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद बिंदु आयुष्मान के सामने आती है और वो बताती है कि वो इसकी बेटी है। इसके बाद उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। फिर आयुष्मान और बिंदु साथ मिलकर बात करते हैं, जिसके बाद आयुष्मान बोलता है कि हम एक हो सकते थे, हमारी शादी हो सकती थी, हमारा परिवार भी होता, हम एक साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद बिंदु बोलते हैं कि हाँ मैंने अपने गुस्से के कारण तुम्हें ठुकरा दिया। उसके बाद बिंदु आयुष्मान को एक किस करती है, जिसके बाद आयुष्मान अपनी कहानी वाली नोट्स उसे देखता है और बोलता है कि मुझे कहानी की एंड में क्या लिखना चाहिए, क्या हम दोनों एक हो गए हैं या हमें ये लिखना चाहिए कि हम दोनों अलग हो गए और तुमने एक दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद बिंदु बोलती है कि तुम्हें कहानी का एंड बिल्कुल ठीक ठाक लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए कि हम दोनों एक हो गए थे। इसके बाद आयुष्मान खुश होता है और हमें दिखाया जाता है कि बिंदु और आयुष्मान अपनी पास्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और उनकी उस बड़ी लम्हों को याद कर कर और भी खुश हो रहे होते हैं, और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो परिणीति चोपड़ा ने बिंदु शंकर नारायण के, आयुष्मान खुराना ने अभिमन्यु रॉय उर्फ बुल्ला, राज भारद्वाज बुल्ला के पिता, अपराजित अड्डी बबुल्ला की माँ, प्रकाश बेलावाड़ी बिंदु की पिता, जून मालिया बिंदु की माँ का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के कुछ बेहतरीन सॉन्ग हैं जो बहुत ही हिट गए हैं। माना इसमें से कुछ सॉन्ग इस प्रकार हैं, माना के हम यार नहीं, हाराए ये जवानी तेरी, इस तरह, खोल दे बाएं, अफीमी, माना के हम यार नहीं, ये इस मूवी के हिट सॉन्ग हैं। इस मूवी के माना के हम यार नहीं सॉन्ग के लिए कौशल मुनीर को फिल्म फेयर एसोसिएट गीताकार पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वहीं खोल दे बाहे सॉन्ग के लिए मोनाली ठाकुर को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं हम इस मूवी के मेन लीड रोल कैरेक्टर आयुष्मान खुराना की बात करें, जो एक सिंगर होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं, जिन्होंने टेलीविजन शो भी होस्ट किया है, जिन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टीवी शो MTV रोडिस पे अपना दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा। 2012 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विकी डोनर के साथ अपनी शुरुआत की, फिर रूप से सफल दम लगा
के हर्षा 2015 में भी इन्होंने बेहतरीन अभिनय पेश किया। वहीं बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो अंधाधुन पर आर्टिकल 50 में भी इन्होंने अपना बेहतरीन रोल दिया है। अभिनय के अलावा आयुष्मान खुराना ने अपनी कई फिल्मों के लिए गीत भी गाए हैं, जिसमें पानी का रंग गीत भी शामिल है, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था। वहीं हम इस मूवी की मेन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की बात करें, जो भारतीय फिल्म एक्ट्रेस की एक बेहतरीन एक्टर हैं, जिन्हें आज लोगों द्वारा बहुत सारा प्यार और सराहना मिली है। भाई प्रियंका चोपड़ा ने अपने जीवन के करियर में लेडीज वर्सेस रिकी बहल, इश्क जाते, शुद्ध देसी रोमांस, हंसी तो फंसी, दावतेज, किल दिल, मैंस वर्ल्ड, ऋषम, मेरी प्यारी बिंदु, नमस्ते इंडिया, केसरी, जबारिया जोड़ी जैसी बेहतरीन मूवी की है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने जीवन में फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, जी सिनेमा अवार्ड, अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूस गिल्ड पुरस्कार, बॉलीवुड हंगामा, सरफर्स चॉइस पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, कॉम्पलेटिक्स मीडर मनोरंजन पुरस्कार, ग्लोबल इंडिया फिल्म एंड टीवी ऑनर्स, फिकी फैम पुरस्कार, बिग स्टार युवा मनोरंजन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, हेलो हॉल फैम पुरस्कार, पीपुल्स चॉइस पुरस्कार, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड पुरस्कार, स्क्रीन पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, अप्सरा फिल्म और टेलीविजन निर्माता गिल्ड पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा चुका है। प्रियंका चोपड़ा के बारे में बताया जाता है कि उनका सपना बैंक निवेशकर्ता बनने का था, लेकिन मैनेजर बिजनेस स्कूल से संसद सम्मान से प्राप्त करने के बाद वह 2009 में आर्थिक मंदी के दौरान भारत वापस लौट आई और जनसंपर्क सलाहकार के रूप में यशराज फिल्म में जुड़ गई। बाद में अभिनेत्री के तौर पर इन्होंने 3 फिल्म में कार्य करने का समझौता किया, जिसके बाद इनकी प्रसिद्धि आज आसमान छू रही है। प्रियंका चोपड़ा अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करती है। इनके पिता पवन चोपड़ा एक व्यवसायी हैं। अम्बाला कैंटोनमेंट में भारतीय थल सेना के प्रदायक हैं। इनकी माँ रीना चोपड़ा परिणीति की शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जींस एंड मैरी से हुई थी। 17 साल की उम्र में वे लंदन चली गई, जहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करी है। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप, तो कैसे आप सब लोग? तो आज हम जिस मूवी पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है मेरी प्यारी बिंदु। यह मूवी 12 मई 2017 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय हैं। इस मूवी को 69% लोगों ने पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1/10 है। मेरी प्यारी बिंदु 2017 की अक्षय रॉय द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कार्यक्रम है। इसमें आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं। मेरी प्यारी बिंदु सफल नहीं रही क्योंकि ये कहानी कुछ बोरिंग टाइप थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय थे, निर्माता आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा थे। अभिनेता के तौर पर आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य किरदार के रूप में नजर आते हैं। संगीतकार सचिन जिगर थे। वहीं यशराज फिल्म द्वारा इस मूवी को प्रेजेंट किया गया था। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मूवी के स्टार्टिंग एक न्यूज स्टूडियो से शुरू होती है, जहां पे आयुष्मान खुराना एक औरत के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, जहां पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे
लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। उसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे क्लियर करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर अपने मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है तब उसे याद आता है एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी जो अपने सामान के साथ सामान के बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी। अपनी सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं क्योंकि आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जीवन के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियां ख़त्म हो रही होती हैं, दोनों के बीच में नज़दीकियां शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज करता है शादी के लिए। वहाँ पर बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूजियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार टुकरा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद बिंदु आयुष्मान के सामने आती है और वो बताती है कि वो इसकी बेटी है। इसके बाद उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। फिर आयुष्मान और बिंदु साथ मिलकर बात करते हैं। इसके बाद आयुष्मान बोलता है कि हम
एक हो सकते थे, हमारी शादी हो सकती थी, हमारा परिवार भी होता, हम एक साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। जिसके बाद बिंदु बोलती है कि हाँ, मैंने अपने गुस्से के कारण तुम्हें ठुकरा दिया। उसके बाद बिंदु आयुष्मान को एक किस करती है, जिसके बाद आयुष्मान अपनी कहानी वाली नोट्स उसे देखता है और बोलता है कि मुझे कहानी की एंड में क्या लिखना चाहिए, क्या हम दोनों एक हो गए हैं या हमें ये लिखना चाहिए कि हम दोनों अलग हो गए और तुमने एक दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद बिंदु बोलती है कि तुम्हें कहानी का एंड बिल्कुल ठीक ठाक लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए कि हम दोनों एक हो गए थे। इसके बाद आयुष्मान खुश होता है और हमें दिखाया जाता है कि बिंदु और आयुष्मान अपनी पास्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और उनकी खुशभरी लम्हों को याद कर कर और भी खुश हो रहे होते हैं, और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो परिणीति चोपड़ा ने बिंदु शंकर नारायण के, आयुष्मान खुराना ने अभिमन्यु रॉय उर्फ बुल्ला, राज भारद्वाज बुल्ला के पिता, अपराजित अड्डी वो बुल्ला की माँ, प्रकाश बेलावाड़ी बिंदु की पिता, जून मालिया बिंदु की माँ का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के कुछ बेहतरीन सॉन्ग हैं जो बहुत ही हिट गए हैं। माना इसमें से कुछ सॉन्ग इस प्रकार हैं, माना के हम यार नहीं, हराए ये जवानी तेरी, इस तरह, खोल दे बाएं, अफीमी, माना के हम यार नहीं, ये इस मूवी के हिट सॉन्ग हैं। इस मूवी के माना के हम यार नहीं सॉन्ग के लिए कौशल मुनीर को फिल्म फेयर एसोसिएट गीतकार पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वहीं खोल दे बाहें सॉन्ग के लिए मोनाली ठाकुर को फिल्म फेयर एसोसिएट पार्श्व गायिका का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं हम इस मूवी के मेन लीड रोल कैरेक्टर आयुष्मान खुराना की बात करें, जो एक सिंगर होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं, जिन्होंने टेलीविजन शो भी होस्ट किया है, जिन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टीवी शो MTV रोडिस पे अपना दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा। 2012 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विकी डोनर के साथ अपनी शुरुआत की, भी रूप से सफल दम लगा के हैशा 2015 में भी इन्होंने बेहतरीन अभिनय पेश किया। वहीं बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो, अंधाधुन और आर्टिकल 50 में भी इन्होंने अपना बेहतरीन रोल दिया है। अभिनय के अलावा आयुष्मान खुराना ने अपनी कई फिल्मों के लिए गीत भी गाए हैं, जिसमें पानी दा रंग गीत भी शामिल है, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। वहीं हम इस मूवी की मेन एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की बात करें, जो भारतीय फिल्म एक्ट्रेस की एक बेहतरीन एक्टर हैं, जिन्हें आज लोगों द्वारा बहुत सारा प्यार और सराहना मिली है। परिणीति चोपड़ा ने अपने जीवन के करियर में लेडीज वर्सेस रिकी बहल, इश्क जादे, शुद्ध देसी रोमांस, हंसी तो फंसी, दाव तेज, किल दिल, मैंस वर्ल्ड, दृश्यम, मेरी प्यारी बिंदु, नमस्ते इंडिया, केसरी, जबारिया जोड़ी जैसी बेहतरीन मूवी की है। परिणीति चोपड़ा ने अपने जीवन में फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, जी सिनेमा अवार्ड, अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूस गिल्ड पुरस्कार, बॉलीवुड हंगामा, सरफर्स चॉइस पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, कॉम्पलेटिक्स मीडर मनोरंजन पुरस्कार, ग्लोबल इंडिया फिल्म एंड टीवी ऑनर्स, फिकी फैम पुरस्कार, बिग स्टार युवा मनोरंजन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, हेलो हॉल फैम पुरस्कार, पीपल्स चॉइस पुरस्कार, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड पुरस्कार, स्क्रीन पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, अप्सरा फिल्म और टेलीविजन निर्माता गिल्ड पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा चुका है। नीति चोपड़ा के बारे में बताया जाता है कि उनका सपना बैंक निवेशकर्ता बनने का था, लेकिन मैनेजर बिजनेस स्कूल से दीर्घ संसद सम्मान से प्राप्त करने के बाद वह 2009 में आर्थिक मंदी के दौरान भारत वापस लौट आई और जनसंपर्क सलाहकार के रूप में यशराज फिल्म में जुड़ गई। बाद में अभिनेत्री के तौर पर इन्होंने 3 फिल्म में कार्य करने का समझौता किया, जिसके बाद इनकी प्रसिद्धि आज आसमान छू रही है। परिणीति चोपड़ा अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करती है।
के पिता पवन चोपड़ा एक व्यवसायी हैं। अंबाला कैंटोनमेंट में भारतीय थल सेना के प्रदायक हैं। इनकी माँ रीना चोपड़ा परिणीति की शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जेंट्स एंड मैरी से हुई थी। 17 साल की उम्र में वे लंदन चली गई, जहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करी है। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप, तो कैसा आप सभी? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है मेरी प्यारी बिंदु। यह मूवी 12 मई 2017 को थिएटर में रिलीज हुई। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय हैं। इस मूवी को 69% लोगों ने पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। मेरी प्यारी बिंदु 2017 की अक्षय रॉय द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कार्य फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में है। मेरी प्यारी बिंदु सफल नहीं रही क्योंकि ये कहानी कुछ बोरिंग टाइप थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय थे, निर्माता आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा थे। अभिनेता के तौर पर आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य किरदार के रूप में नजर आते हैं। संगीतकार सचिन जिगर थे। वहीं यशराज फिल्म द्वारा इस मूवी को प्रेजेंट किया गया था। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग एक न्यूज स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक औरत के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है, अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। उसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर अपनी मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है, तब उसे याद आता है एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत होती थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी। लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं, फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जीवन के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी, जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई
और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ इंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। के बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियाँ खत्म हो रही होती हैं, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज करता है शादी के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूजियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, वो जिंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार टुकरा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद बिंदु आयुष्मान के सामने आती है और वो बताती है कि वो इसकी बेटी है। इसके बाद उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। फिर आयुष्मान और बिंदु साथ मिलकर बात करते हैं। इसके बाद आयुष्मान बोलता है कि हम एक हो सकते थे, हमारी शादी हो सकती थी, हमारा परिवार भी होता, हम एक साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद बिंदु बोलते हैं कि हाँ मैंने अपने गुस्से के कारण तुम्हें ठुकरा दिया। उसके बाद बिंदु आयुष्मान को एक किस करती है, जिसके बाद आयुष्मान अपनी कहानी वाली नोट्स उसे देखता है और बोलता है कि मुझे कहानी की एंड में क्या लिखना चाहिए, क्या हम दोनों एक हो गए हैं या हमें ये लिखना चाहिए कि हम दोनों अलग हो गए और तुमने एक दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद बिंदु बोलती है कि तुम्हें कहानी का एंड बिल्कुल ठीक ठाक लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए कि हम दोनों एक हो गए थे। इसके बाद आयुष्मान खुश होता है और हमें दिखाया जाता है कि बिंदु और आयुष्मान अपनी पास्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और उनकी उस बड़ी लम्हों को याद कर कर और भी खुश हो रहे होते हैं, और यही मूवी का दी एंड हो जाता है। अब इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो परिणीति चोपड़ा ने बिंदु शंकर नारायण के, आयुष्मान खुराना ने अभिमन्यु रॉय उर्फ बुल्ला, राज भारद्वाज बुल्ला के पिता, अपराजित अड्डी बबुल्ला की माँ, प्रकाश बेलावाड़ी बिंदु की पिता, जून मालिया बिंदु की माँ का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के कुछ बेहतरीन सॉन्ग हैं जो बहुत ही हिट गए हैं। माना इसमें से कुछ सॉन्ग इस प्रकार हैं, माना के हम यार नहीं, हाराए ये जवानी तेरी, इस तरह, खोल दे बाएं, अफीमी, मना के हम यार नहीं, ये इस मूवी के हिट सॉन्ग हैं। इस मूवी के माना के हम यार नहीं सॉन्ग के लिए कौशल मुनीर को फिल्म फेयर एसोसिएट गीताकार पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वहीं खोल दे बाहे सॉन्ग के लिए मोनाली ठाकुर को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं हम इस मूवी के मेन लीड रोल कैरेक्टर आयुष्मान खुराना की बात करें जो एक सिंगर होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं, जिन्होंने टेलीविजन शो भी होस्ट किया है, जिन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टीवी
शो एमटीटीवी रोडिस पे अपना दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा। 2012 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विकी डोनर के साथ अपनी शुरुआत की, भी रूप से सफल दम लगा के हईशा। 2015 में भी इन्होंने बेहतरीन अभिनय पेश किया। वहीं बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो अंधाधुन पर आर्टिकल 50 में भी इन्होंने अपना बेहतरीन रोल दिया है। विनय के अलावा आयुष्मान खुराना ने अपनी कई फिल्मों के लिए गीत भी गाए हैं, जिसमें पानी का रंग गीत भी शामिल है, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था। वहीं हम इस मूवी की मेन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की बात करें, जो भारतीय फिल्म एक्ट्रेस की एक बेहतरीन एक्टर हैं, जिन्हें आज लोगों द्वारा बहुत सारा प्यार और सराहना मिली है। वहीं नीति चोपड़ा ने अपने जीवन के करियर में लेडीज वर्सेस रिकी बहल, इश्क जाते, शुद्ध देसी रोमांस, हंसी तो फंसी, दाव तेज, किल दिल, मैंस वर्ल्ड, निशम, मेरी प्यारी बिंदु, नमस्ते इंडिया, केसरी, जबारिया जोड़ी जैसी बेहतरीन मूवी की हैं। परिणीति चोपड़ा ने अपने जीवन में फिल्मफेयर पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, जी सिनेमा अवार्ड, अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूस गिल्ड पुरस्कार, बॉलीवुड हंगामा, सरफस चॉइस पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, कॉम्पलेटिक्स निडर मनोरंजन पुरस्कार, ग्लोबल इंडिया फिल्म एंड टीवी ऑनर्स, फिकी फैम पुरस्कार, बिग स्टार युवा मनोरंजन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, हेलो हॉल फैम पुरस्कार, पीपुल्स चॉइस पुरस्कार, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड पुरस्कार, स्क्रीन पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, अप्सरा फिल्म और टेलीविजन निर्माता गिल्ड पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा चुका है। नीति चोपड़ा के बारे में बताया जाता है कि उनका सपना बैंक निवेशकर्ता बनने का था, लेकिन मैनेजर बिजनेस स्कूल से दीक्ष संसद सम्मान से प्राप्त करने के बाद वह 2009 में आर्थिक मंदी के दौरान भारत वापस लौट आई और जनसंपर्क सलाहकार के रूप में यशराज फिल्म में जुड़ गई। बाद में अभिनेत्री के तौर पर इन्होंने 3 फिल्म में कार्य करने का समझौता किया, जिसके बाद इनकी प्रसिद्धि आज आसमान छू रही है। नीति चोपड़ा अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करती है। इनके पिता पवन चोपड़ा एक व्यवसायी हैं। अम्बाला कैंटोनमेंट में भारतीय थल सेना के प्रदायक हैं। इनकी माँ रीना चोपड़ा परिणीति की शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जींस एंड मैरिज से हुई थी। 17 साल की उम्र में वे लंदन चली गई, जहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करी है। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मेरी प्यारी बिंदु। यह मूवी 12 मई 2017 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय हैं। इस मूवी को 69% लोगों ने पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। मेरी प्यारी बिंदु 2017 की अक्षय रॉय द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कार्य फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में है। मेरी प्यारी बिंदु सफल नहीं रही क्योंकि ये कहानी कुछ बोरिंग टाइप थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय थे, निर्माता आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा थे। अभिनेता के तौर पर आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य किरदार के रूप में नजर आते हैं। संगीतकार सचिन जिगर थे। वहीं यशराज फिल्म द्वारा इस मूवी को प्रेजेंट किया गया था। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी के स्टार्टिंग एक न्यूज स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक और के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है
और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। उसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके बन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे क्लियर करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा के बॉस लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर अपनी मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, कि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है तब उसे याद आता है कि एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ती थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी, लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं। फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जीवन के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी, जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है, इसलिए वो उसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज करता है शादी के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूजियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार टूटा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर पर जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो।
इसके बाद बिंदु आसमान के सामने आती है और वो बताती है कि वो इसकी बेटी है। इसके बाद इसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। फिर आयुष्मान और बिंदु साथ में मिलकर बात करते हैं। इसके बाद आयुष्मान बोलता है कि हम एक हो सकते थे, हमारी शादी हो सकती थी, हमारा परिवार भी होता, हम एक साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद बिंदु बोलते हैं कि हाँ, मैंने अपने गुस्से के कारण तुम्हें ठुकरा दिया। उसके बाद बिंदु आयुष्मान को एक किस करती है, जिसके बाद आयुष्मान अपनी कहानी वाली नोट्स उसे देखता है और बोलता है कि मुझे कहानी की एंड में क्या लिखना चाहिए, क्या हम दोनों एक हो गए हैं या हमें ये लिखना चाहिए कि हम दोनों अलग हो गए और तुमने एक दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद बिंदु बोलती है कि तुम्हें कहानी का एंड बिल्कुल ठीक ठाक लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए कि हम दोनों एक हो गए थे। इसके बाद आयुष्मान खुश होता है और हमें दिखाया जाता है कि बिंदु और आयुष्मान अपनी पास्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और उनकी उस बड़ी लम्हों को याद कर कर और भी खुश हो रहे होते हैं, और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो परिणीति चोपड़ा ने बिंदु शंकर नारायण के, आयुष्मान खुराना ने अभिमन्यु रॉय उर्फ बुल्ला राज भारद्वाज बुल्ला के पिता, अपराजित अड्डी बबुल्ला की माँ, प्रकाश बेलावाड़ी बिंदु की पिता, जून मालिया बिंदु की माँ का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के कुछ बेहतरीन सॉन्ग हैं जो बहुत ही हिट गए हैं। इसमें से कुछ सॉन्ग इस प्रकार हैं, माना कि हम यार नहीं, हाराए ये जवानी तेरी, इस तरह, खोल दे बाएं, अफीमी, माना कि हम यार नहीं, ये इस मूवी के हिट सॉन्ग हैं। इस मूवी के माना कि हम यार नहीं सॉन्ग के लिए कौशल मुनीर को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वहीं खोल दे बाहें सॉन्ग के लिए मोनाली ठाकुर को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं हम इस मूवी के मेन लीड रोल कैरेक्टर आयुष्मान खुराना की बात करें, जो एक सिंगर होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं, जिन्होंने टेलीविजन शो भी होस्ट किया है, जिन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टीवी शो MTV रोडिस पे अपना दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा। 2012 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विकी डोनर के साथ अपनी शुरुआत की। इस रूप से सफल दम लगा के हईशा 2015 में भी इन्होंने बेहतरीन अभिनय पेश किया। वहीं बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो, अंधाधुन पर आर्टिकल 50 में भी इन्होंने अपना बेहतरीन रोल दिया है। अभिनय के अलावा आयुष्मान खुराना ने अपनी कई फिल्मों के लिए गीत भी गाए हैं, जिसमें पानी दा रंग गीत भी शामिल है, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। वहीं हम इस मूवी की मेन एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की बात करें, जो भारतीय फिल्म एक्ट्रेस की एक बेहतरीन एक्टर हैं, जिन्हें आज लोगों द्वारा बहुत सारा प्यार और सराहना मिली है। परिणीति चोपड़ा ने अपने जीवन के करियर में लेडीज वर्सेस रिकी बहल, इश्क जादे, शुद्ध देसी रोमांस, हंसी तो फंसी, दाव देस, किल दिल, मैंस वर्ल्ड, डिशम, मेरी प्यारी बिंदु, नमस्ते इंडिया, केसरी, जबारिया जोड़ी जैसी बेहतरीन मूवी की है। परिणीति चोपड़ा ने अपने जीवन में फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, जी सिनेमा अवार्ड, अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूस गिल्ड पुरस्कार, बॉलीवुड हंगामा, सरफस चॉइस पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, कॉम्प्लेटिक्स मीडर मनोरंजन पुरस्कार, ग्लोबल इंडिया फिल्म एंड टीवी ऑनर्स, फिकी फैम पुरस्कार, बिग स्टार युवा मनोरंजन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, हेलो हॉल फैम पुरस्कार, पीपुल्स चॉइस पुरस्कार, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड पुरस्कार, स्क्रीन पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, अप्सरा फिल्म और टेलीविजन निर्माता गिल्ड पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा चुका है। प्रीति चोपड़ा के बारे में बताया जाता है कि उनका सपना बैंक निवेशकर्ता बनने का था, लेकिन मैनेजर बिजनेस स्कूल से त्रिक्ष संसद सम्मान से प्राप्त करने के बाद वह 2009 में आर्थिक मंदी के दौरान भारत वापस लौट आई और जनसंपर्क सलाहकार के रूप में यशराज फिल्म में जुड़ गई,
बाद में अभिनेत्री के तौर पर इन्होंने 3 फिल्म में कार्य करने का समझौता किया, जिसके बाद इनकी प्रसिद्धि आज आसमान छू रही है। इनकी चोपड़ा अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करती है। इनके पिता पवन चोपड़ा एक व्यवसायी हैं। अम्बाला कैंटोनमेंट में भारतीय थल सेना के प्रतायक हैं। इनकी माँ रीना चोपड़ा परिणीति की शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जींस एंड मैरी से हुई थी। 17 साल की उम्र में वे लंदन चली गई, जहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करी है। गाइस, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी पर स्प्रिंट करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मेरी प्यारी बिंदु। यह मूवी 12 मई 2017 को थिएटर में रिलीज हुई। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय हैं। इस मूवी को 69% लोगों ने पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1/10 है। मेरी प्यारी बिंदु 2017 की अक्षय रॉय द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कार्यक्रम है। इसमें आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में है। मेरी प्यारी बिंदु सफल नहीं रही क्योंकि ये कहानी कुछ बोरिंग टाइप थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय थे, निर्माता आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा थे। अभिनेता के तौर पर आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य किरदार के रूप में नजर आते हैं। संगीतकार सचिन जिगर थे। वहीं यशराज फिल्म द्वारा इस मूवी को प्रेजेंट किया गया था। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग एक न्यूज स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक औरत के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। उसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर अपने मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है, तब उसे याद आता है एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी, लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं, क्योंकि आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जीवन के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी, जिसमें वो कॉमेडी
शो करना पसंद करती थी। ये बात हमें देखा जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है इसलिए वो उसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज करता है शादी के लिए। वहाँ पर बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगा कर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूजियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती, वो जिंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलते हैं कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार टूटा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद बिंदु आयुष्मान के सामने आती है और वो बताती है कि वो इसकी बेटी है। इसके बाद उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। फिर आयुष्मान और बिंदु साथ मिलकर बात करते हैं। इसके बाद आयुष्मान बोलता है कि हम एक हो सकते थे, हमारी शादी हो सकती थी, हमारा परिवार भी होता, हम एक साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद बिंदु बोलते हैं कि हाँ मैंने अपने गुस्से के कारण तुम्हें ठुकरा दिया। उसके बाद बिंदु आयुष्मान को एक किस करती है, जिसके बाद आयुष्मान अपनी कहानी वाली नोट्स उसे देखता है और बोलता है कि मुझे कहानी की एंड में क्या लिखना चाहिए, क्या हम दोनों एक हो गए हैं या हमें ये लिखना चाहिए कि हम दोनों अलग हो गए और तुमने एक दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद बिंदु बोलती है कि तुम्हें कहानी का एंड बिल्कुल ठीक ठाक लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए कि हम दोनों एक हो गए थे। इसके बाद आयुष्मान खुश होता है और हमें दिखाया जाता है कि बिंदु और आयुष्मान अपनी पास्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और उनकी खुशभरी लम्हों को याद कर कर और भी खुश हो रहे होते हैं, और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो परिणीति चोपड़ा ने बिंदु शंकर नारायण के, आयुष्मान खुराना ने अभिमन्यु रॉय उर्फ बुल्ला राजभर दत्ता बुल्ला के पिता, अपराजित अड्डी बबुल्ला की माँ, प्रकाश बेलावाड़ी बिंदु की पिता, जून मालिया बिंदु की माँ का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के कुछ बेहतरीन सॉन्ग हैं जो बहुत ही हिट गए हैं। माना इसमें से कुछ सॉन्ग इस प्रकार हैं, माना के हम यार नहीं, हराए ये जवानी तेरी, इस तरह, खोल दे बाएं, अफीमी, माना के हम यार नहीं, ये इस मूवी के हिट सॉन्ग हैं। इस मूवी के माना के हम यार नहीं सॉन्ग के लिए कौशल मुनीर को फिल्म फेयर एसोसिएट गीताकार पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वहीं खोल दे बाहे सॉन्ग के लिए मोनाली ठाकुर को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं हम इस मूवी के मेन लीड रोल कैरेक्टर आयुष्मान खुराना की बात करें जो एक सिंगर होने के साथ साथ
एक एक्टर भी हैं जिन्होंने टेलीविजन शो भी होस्ट किया है, जिन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टीवी शो MTV रोडिस पे अपना दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा। 2012 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विकी डोनर के साथ अपनी शुरुआत की, फिर रूप से सफल दम लगा के हईशा 2015 में भी इन्होंने बेहतरीन अभिनय पेश किया। वहीं बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो, अंधाधुन और आर्टिकल 50 में भी इन्होंने अपना बेहतरीन रोल दिया है। अभिनय के अलावा आयुष्मान खुराना ने अपनी कई फिल्मों के लिए गीत भी गाए हैं, जिसमें पानी धारम गीत भी शामिल है, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था। वहीं हम इस मूवी की मेन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की बात करें, जो भारतीय फिल्म एक्ट्रेस की एक बेहतरीन एक्टर हैं, जिन्हें आज लोगों द्वारा बहुत सारा प्यार और सराहना मिली है। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने अपने जीवन के करियर में लेडीज वर्सेस रिकी बहल, शिवजादे, शुद्ध देसी रोमांस, हंसी तो फंसी, दावतेज, किल दिल, मैंस वर्ल्ड, रिशम, मेरी प्यारी बिंदु, नमस्ते इंडिया, केसरी, जबारिया जोड़ी जैसी बेहतरीन मूवी की है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने जीवन में फिल्मफेयर पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, जी सिनेमा अवार्ड, अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूस गिल्ड पुरस्कार, बॉलीवुड हंगामा, सरफर्स चॉइस पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, कॉम्पलेटिक्स निडर मनोरंजन पुरस्कार, ग्लोबल इंडिया फिल्म एंड टीवी ऑनर्स, विकी फैम पुरस्कार, बिग स्टार युवा मनोरंजन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, हेलो हॉल फैम पुरस्कार, पीपल्स चॉइस पुरस्कार, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड पुरस्कार, स्क्रीन पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, अप्सरा फिल्म और टेलीविजन निर्माता गिल्ड पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा चुका है। प्रियंका चोपड़ा के बारे में बताया जाता है कि उनका सपना बैंक निवेशकर्ता बनने का था, लेकिन मैनेजर बिजनेस स्कूल से संसद सम्मान से प्राप्त करने के बाद वह 2009 में आर्थिक मंदी के दौरान भारत वापस लौट आई और जनसंपर्क सलाहकार के रूप में यशराज फिल्म में जुड़ गई। बाद में अभिनेत्री के तौर पर इन्होंने 3 फिल्म में कार्य करने का समझौता किया, जिसके बाद इनकी प्रसिद्धि आज आसमान छू रही है। प्रियंका चोपड़ा अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करती है। इनके पिता पवन चोपड़ा एक व्यवसायी हैं। अम्बाला कैंटोनमेंट में भारतीय थल सेना के प्रतायक हैं। इनकी माँ रीना चोपड़ा परिणीति की शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जींस एंड मैरी से हुई थी। 17 साल की उम्र में वे लंदन चली गई, जहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करी है। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप, तो कैसा आप सभी लोग, तो आज हम जिस मूवी पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मेरी प्यारी बिंदु। यह मूवी 12 मई 2017 को थिएटर में रिलीज हुई। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय हैं। इस मूवी को 69% लोगों ने पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। मेरी प्यारी बिंदु 2017 की अक्षय रॉय द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में है। मेरी प्यारी बिंदु सफल नहीं रही क्योंकि ये कहानी कुछ बोरिंग टाइप थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय थे, निर्माता आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा थे। अभिनेता के तौर पर आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य किरदार के रूप में नजर आते हैं। संगीतकार सचिन जिगर थे। वहीं यशराज फिल्म द्वारा इस मूवी को प्रेजेंट किया गया था। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग एक न्यूज स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक और के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट
नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। उसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे क्लियर करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर अपने मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है तब उसे याद आता है कि एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत होती थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी। अपनी सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं, फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जीवन के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी, जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है, इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियां ख़त्म हो रही होती हैं, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज करता है शादी के लिए। वहाँ पर बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूजियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार टूटा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है, जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है। और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर
जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद बिंदु आसमान के सामने आती है और वो बताती है कि वो इसकी बेटी है। इसके बाद उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। फिर आयुष्मान और बिंदु साथ मिलकर बात करते हैं, जिसके बाद आयुष्मान बोलता है कि हम एक हो सकते थे, हमारी शादी हो सकती थी, हमारा परिवार भी होता, हम एक साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद बिंदु बोलते हैं कि हाँ, मैंने अपने गुस्से के कारण तुम्हें ठुकरा दिया। उसके बाद बिंदु आयुष्मान को एक किस करती है, जिसके बाद आयुष्मान अपनी कहानी वाली नोट्स उसे देखता है और बोलता है कि मुझे कहानी की एंड में क्या लिखना चाहिए, क्या हम दोनों एक हो गए हैं या हमें ये लिखना चाहिए कि हम दोनों अलग हो गए और तुमने एक दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद बिंदु बोलती है कि तुम्हें कहानी का एंड बिल्कुल ठीक ठाक लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए कि हम दोनों एक हो गए थे। इसके बाद आयुष्मान खुश होता है और हमें दिखाया जाता है कि बिंदु और आयुष्मान अपनी पास्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और उनकी खुशबरी लम्हों को याद कर कर और भी खुश हो रहे होते हैं, और यही मूवी का दी एंड हो जाता है। अब इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो परिणीति चोपड़ा ने बिंदु शंकर नारायण के, आयुष्मान खुराना ने अभिमन्यु रॉय उर्फ बुल्ला, राज भारतता बुल्ला के पिता, अपराजित अड्डी बबुल्ला की माँ, प्रकाश बेलावाड़ी बिंदु की पिता, जून मालिया बिंदु की माँ का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के कुछ बेहतरीन सॉन्ग हैं जो बहुत ही हिट गए हैं। इसमें से कुछ सॉन्ग इस प्रकार हैं, माना कि हम यार नहीं, हाराए ये जवानी तेरी, इस तरह, खोल दे बाएं, अफीमी, माना के हम यार नहीं, ये इस मूवी के हिट सॉन्ग हैं। इस मूवी के माना के हम यार नहीं सॉन्ग के लिए वर्षा मुनीर को फिल्म फेयर एसोसिएट गीताकार पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वहीं खोल दे बाहे सॉन्ग के लिए मोनाली ठाकुर को फिल्म फेयर एसोसिएट पार्श्व गायिका का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं हम इस मूवी के मेन लीड रोल कैरेक्टर आयुष्मान खुराना की बात करें, जो एक सिंगर होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं, जिन्होंने टेलीविजन शो भी होस्ट किया है, जिन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टीवी शो MTV रोडिस पे अपना दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा। 2012 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विकी डोनर के साथ अपनी शुरुआत की, फिर रूप से सफल दम लगा के हैशा 2015 में भी इन्होंने बेहतरीन अभिनय पेश किया। वहीं बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो, अंधाधुन और आर्टिकल 50 में भी इन्होंने अपना बेहतरीन रोल दिया है। अभिनय के अलावा आयुष्मान खुराना ने अपनी कई फिल्मों के लिए गीत भी गाए हैं, जिसमें पानी का रंग गीत भी शामिल है, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। वहीं हम इस मूवी की मेन एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की बात करें, जो भारतीय फिल्म एक्ट्रेस की एक बेहतरीन एक्टर हैं, जिन्हें आज लोगों द्वारा बहुत सारा प्यार और सराहना मिली है। परिणीति चोपड़ा ने अपने जीवन के करियर में लेडीज वर्सेस रिकी बहल, शुक जाते, शुद्ध देसी रोमांस, हंसी तो फंसी, दावतेज, किल दिल, मैंस वर्ल्ड, दृश्यम, मेरी प्यारी बिंदु, नमस्ते इंडिया, केसरी, जबारिया जोड़ी जैसी बेहतरीन मूवी की हैं। परिणीति चोपड़ा ने अपने जीवन में फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, जी सिनेमा अवार्ड, अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूस गिल्ड पुरस्कार, बॉलीवुड हंगामा, सरफस चॉइस पुरस्कार, स्टारडस पुरस्कार, कॉम्पलेटिक्स निडर मनोरंजन पुरस्कार, ग्लोबल इंडिया फिल्म एंड टीवी ऑनर्स, फिकी फैम पुरस्कार, बिग स्टार युवा मनोरंजन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, हेलो हॉल फैम पुरस्कार, पीपल्स चॉइस पुरस्कार, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड पुरस्कार, स्क्रीन पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, अप्सरा फिल्म और टेलीविजन निर्माता गिल्ड पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा चुका है। नीति चोपड़ा के बारे में बताया जाता है कि उनका सपना बैंक निवेशकर्ता बनने का था, लेकिन मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल से दीक्षा संसद समान
से प्राप्त करने के बाद वह 2009 में आर्थिक मंदी के दौरान भारत वापस लौट आई और जनसंपर्क सलाहकार के रूप में यशराज फिल्म में जुड़ गई। बाद में अभिनेत्री के तौर पर इन्होंने 3 फिल्म में कार्य करने का समझौता किया, जिसके बाद इनकी प्रसिद्धि आज आसमान छू रही है। प्रीति चोपड़ा अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करती है। इनके पिता पवन चोपड़ा एक व्यवसायी हैं। अम्बाला कैंटोनमेंट में भारतीय थल सेना के प्रदायक हैं। इनकी माँ रीना चोपड़ा परिणीति की शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जींस एंड मैरी से हुई थी। 17 साल की उम्र में वे लंदन चली गई, जहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करी है। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी पर स्प्रिंट करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मेरी प्यारी बिंदु। यह मूवी 12 मई 2017 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय हैं। इस मूवी को 69% लोगों ने पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। मेरी प्यारी बिंदु 2017 की अक्षय रॉय द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कार्यक्रम है। इसमें आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में है। मेरी प्यारी बिंदु सफल नहीं रही क्योंकि ये कहानी कुछ बोरिंग टाइप थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय थे, निर्माता आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा थे। अभिनेता के तौर पर आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य किरदार के रूप में नजर आते हैं। संगीतकार सचिन जिगर थे। वहीं यशराज फिल्म द्वारा इस मूवी को प्रेजेंट किया गया था। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मूवी के स्टार्टिंग एक न्यूज स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक औरत के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है। जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानी लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। उसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं। जिसे कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर अपने मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, कि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है तब उसे याद आता है एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। इसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत टूटी थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी, लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं। फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जीवन के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है।
उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें देखा जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियाँ खत्म हो रही होती हैं, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज करता है शादी के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूजियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। इसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, वो जिंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। इसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार टूटा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद बिंदु आयुष्मान के सामने आती है और वो बताती है कि वो इसकी बेटी है। इसके बाद उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। फिर आयुष्मान और बिंदु साथ मिलकर बात करते हैं। इसके बाद आयुष्मान बोलता है कि हम एक हो सकते थे, हमारी शादी हो सकती थी, हमारा परिवार भी होता, हम एक साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद बिंदु बोलते हैं कि हाँ मैंने अपने गुस्से के कारण तुम्हें ठुकरा दिया। उसके बाद बिंदु आयुष्मान को एक किस करती है, जिसके बाद आयुष्मान अपनी कहानी वाली नोट्स उसे देखता है और बोलता है कि मुझे कहानी की एंड में क्या लिखना चाहिए, क्या हम दोनों एक हो गए हैं या हमें ये लिखना चाहिए कि हम दोनों अलग हो गए और तुमने एक दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद बिंदु बोलती है कि तुम्हें कहानी का एंड बिल्कुल ठीक ठाक लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए कि हम दोनों एक हो गए थे। इसके बाद आयुष्मान खुश होता है और हमें दिखाया जाता है कि बिंदु और आयुष्मान अपनी पास्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और उनकी उस बड़ी लम्हों को याद कर कर और भी खुश हो रहे होते हैं, और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो परिणीति चोपड़ा ने बिंदु शंकर नारायण के, आयुष्मान खुराना ने अभिमन्यु रॉय उर्फ बुल्ला राज भारतदत्ता बुल्ला के पिता, अपराजित अड्डी बुल्ला की माँ, प्रकाश बेलावाड़ी बिंदु की पिता, जून मालिया बिंदु की माँ का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के कुछ बेहतरीन सॉन्ग हैं जो बहुत ही हिट गए हैं। माना इसमें से कुछ सॉन्ग इस प्रकार हैं, माना के हम यार नहीं, हाराए ये जवानी तेरी, इस तरह, खोल दे बाएं, अफीमी, माना के हम यार नहीं, ये इस मूवी के हिट सॉन्ग हैं। इस मूवी के माना के हम यार नहीं सॉन्ग के लिए कौशल मुनीर को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार सम्मानित किया गया था।
वहीं खोल दे बाहें सॉन्ग के लिए मोनाली ठाकुर को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं हम इस मूवी के मेन लीड रोल कैरेक्टर आयुष्मान खुराना की बात करें, जो एक सिंगर होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं, जिन्होंने टेलीविजन शो भी होस्ट किया है, जिन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टीवी शो MTV रोडिस पे अपना दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा। 2012 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विकी डोनर के साथ अपनी शुरुआत की। इस रूप से सफल दम लगा के हईशा 2015 में भी इन्होंने बेहतरीन अभिनय पेश किया। वहीं बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो अंधाधुन और आर्टिकल 50 में भी इन्होंने अपना बेहतरीन रोल दिया है। अभिनय के अलावा आयुष्मान खुराना ने अपनी कई फिल्मों के लिए गीत भी गाए हैं, जिसमें पानी दा रंग गीत भी शामिल है, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था। वहीं हम इस मूवी की मेन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की बात करें, जो भारतीय फिल्म एक्ट्रेस की एक बेहतरीन एक्टर हैं, जिन्हें आज लोगों द्वारा बहुत सारा प्यार और सराहना मिली है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने जीवन के करियर में लेडीज वर्सेस रिकी बहल, इश्क जादे, शुद्ध देसी रोमांस, हंसी तो फंसी, दाव तेज, किल दिल, मैंस वर्ल्ड, रिशम, मेरी प्यारी बिंदु, नमस्ते इंडिया, केसरी, जबारिया जोड़ी जैसी बेहतरीन मूवी की हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपने जीवन में फिल्मफेयर पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, जी सिनेमा अवार्ड, अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूस गिल्ड पुरस्कार, बॉलीवुड हंगामा, सर्फर्स चॉइस पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, कॉम्पलेटिक्स मीडर मनोरंजन पुरस्कार, ग्लोबल इंडिया फिल्म एंड टीवी ऑनर्स, फिकी फैम पुरस्कार, बिग स्टार युवा मनोरंजन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, हेलो हॉल फैम पुरस्कार, पीपुल्स चॉइस पुरस्कार, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड पुरस्कार, स्क्रीन पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, अप्सरा फिल्म और टेलीविजन निर्माता गिल्ड पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा चुका है। प्रियंका चोपड़ा के बारे में बताया जाता है कि उनका सपना बैंक निवेशकर्ता बनने का था, लेकिन मैनेजर बिजनेस स्कूल से दीक्षा संसद सम्मान से प्राप्त करने के बाद वह 2009 में आर्थिक मंदी के दौरान भारत वापस लौट आई और जनसंपर्क सलाहकार के रूप में यशराज फिल्म में जुड़ गई। बाद में अभिनेत्री के तौर पर इन्होंने 3 फिल्म में कार्य करने का समझौता किया, जिसके बाद इनकी प्रसिद्धि आज आसमान छू रही है। प्रियंका चोपड़ा अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करती है। इनके पिता पवन चोपड़ा एक व्यवसायी हैं। अम्बाला कैंटोनमेंट में भारतीय थल सेना के प्रदायक हैं। इनकी माँ रीना चोपड़ा परिणीति की शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जींस एंड मैरी से हुई थी। 17 साल की उम्र में वे लंदन चली गई, जहां पर उन्होंने मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करी है। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप, तो कैसे आप सभी लोग? तो आज हम जिस मूवी पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है मेरी प्यारी बिंदु। यह मूवी 12 मई 2017 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय हैं। इस मूवी को 69% लोगों ने पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। मेरी प्यारी बिंदु 2017 की अक्षय रॉय द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कार्य फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं। मेरी प्यारी बिंदु सफल नहीं रही क्योंकि ये कहानी कुछ बोरिंग टाइप थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय थे, निर्माता आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा थे। अभिनेता के तौर पर आयुष्मान खुराना और प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदार के रूप में नजर आते हैं। संगीतकार सचिन जिगर थे। वहीं यशराज फिल्म द्वारा इस मूवी को प्रेजेंट किया गया था। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी के स्टार्टिंग एक न्यूज स्टूडियो से शुरू होती है, जहां पे आयुष्मान खुराना एक और
के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, जहां पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। उसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं। जिसे क्लियर करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर अपने मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, कि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है तब उसे याद आता है एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। के बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी जो अपने सामान के साथ सामान के बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत होती थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी, लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं। फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जीवन के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है, उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज करता है शादी के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूजियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार टोरा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है
लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद बिंदु आयुष्मान के सामने आती है और वो बताती है कि वो इसकी बेटी है। इसके बाद उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। फिर आयुष्मान और बिंदु साथ मिलकर बात करते हैं। इसके बाद आयुष्मान बोलता है कि हम एक हो सकते थे, हमारी शादी हो सकती थी, हमारा परिवार भी होता, हम एक साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद बिंदु बोलते हैं कि हाँ, मैंने अपने गुस्से के कारण तुम्हें ठुकरा दिया। उसके बाद बिंदु आयुष्मान को एक किस करती है, जिसके बाद आयुष्मान अपनी कहानी वाली नोट्स उसे देखता है और बोलता है कि मुझे कहानी की एंड में क्या लिखना चाहिए, क्या हम दोनों एक हो गए हैं या हमें ये लिखना चाहिए कि हम दोनों अलग हो गए और तुमने एक दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद बिंदु बोलती है कि तुम्हें कहानी का एंड बिल्कुल ठीक ठाक लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए कि हम दोनों एक हो गए थे। इसके बाद आयुष्मान खुश होता है और हमें दिखाया जाता है कि बिंदु और आयुष्मान अपनी पास्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और उनकी खुशभरी लम्हों को याद कर कर और भी खुश हो रहे होते हैं, और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो परिणीति चोपड़ा ने बिंदु शंकर नारायण के, आयुष्मान खुराना ने अभिमन्यु रॉय उर्फ बुल्ला, राजभारदत्ता बुल्ला के पिता, अपराजित अड्डी बबुल्ला की माँ, प्रकाश बेलावाड़ी बिंदु की पिता, जून मालिया बिंदु की माँ का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के कुछ बेहतरीन सॉन्ग हैं जो बहुत ही हिट गए हैं। माना इसमें से कुछ सॉन्ग इस प्रकार हैं, माना के हम यार नहीं, हाराए ये जवानी तेरी, इस तरह, खोल दे बाएं, अफीमी, माना के हम यार नहीं, ये इस मूवी के हिट सॉन्ग हैं। इस मूवी के माना के हम यार नहीं सॉन्ग के लिए कौशल मुनीर को फिल्म फेयर एसोसिएट गीताकार पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वहीं खोल दे बाहे सॉन्ग के लिए मोनाली ठाकुर को फिल्म फेयर एसोसिएट पार्श्व गायिका का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं हम इस मूवी के मेन लीड रोल कैरेक्टर आयुष्मान खुराना की बात करें जो एक सिंगर होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं, जिन्होंने टेलीविजन शो भी होस्ट किया है, जिन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टीवी शो MTV रोडिस पे अपना दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा। 2012 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विकी डोनर के साथ अपनी शुरुआत की। वीर रूप से सफल दम लगा के हैशा 2015 में भी इन्होंने बेहतरीन अभिनय पेश किया। वहीं बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो, अंधाधुन पर आर्टिकल 50 में भी इन्होंने अपना बेहतरीन रोल दिया है। अभिनय के अलावा आयुष्मान खुराना ने अपनी कई फिल्मों के लिए गीत भी गाए हैं, जिसमें पानी दा रंग गीत भी शामिल है, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। वहीं हम इस मूवी की मेन एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की बात करें जो भारतीय फिल्म एक्ट्रेस की एक बेहतरीन एक्टर है, जिन्हें आज लोगों द्वारा बहुत सारा प्यार और सराहना मिली है। परिणीति चोपड़ा ने अपने जीवन के करियर में लेडीज वर्सेस रिकी बहल, इश्क जादे, शुद्ध देसी रोमांस, हंसी तो फंसी, ताव तेज, इल दिल, मैंस वर्ल्ड, निशम, मेरी प्यारी बिंदु, नमस्ते इंडिया, केसरी, जबारिया जोड़ी जैसी बेहतरीन मूवी की है। परिणीति चोपड़ा ने अपने जीवन में फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, जी सिनेमा अवार्ड, अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूस गिल्ड पुरस्कार, बॉलीवुड हंगामा, सरफस चॉइस पुरस्कार, स्टार्टस पुरस्कार, कॉम्प्लेटिक्स मीडर मनोरंजन पुरस्कार, ग्लोबल इंडिया फिल्म एंड टीवी ऑनर्स, विकी फैम पुरस्कार, बिग स्टार युवा मनोरंजन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, हेलो हॉल फैम पुरस्कार, पीपुल्स चॉइस पुरस्कार, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड पुरस्कार, स्क्रीन पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, सुस्टार डस्ट पुरस्कार, अप्सरा फिल्म और टेलीविजन निर्माता गिल्ड पुरस्कार,
और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा चुका है। नीति चोपड़ा के बारे में बताया जाता है कि उनका सपना बैंक निवेशकर्ता बनने का था, लेकिन मैनेजर बिजनेस स्कूल से दीक्ष संसद सम्मान से प्राप्त करने के बाद वह 2009 में आर्थिक मंदी के दौरान भारत वापस लौट आई और जनसंपर्क सलाहकार के रूप में यशराज फिल्म में जुड़ गई। बाद में अभिनेत्री के तौर पर इन्होंने 3 फिल्म में कार्य करने का समझौता किया, जिसके बाद इनकी प्रसिद्धि आज आसमान छू रही है। नीति चोपड़ा अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करती है। इनके पिता पवन चोपड़ा एक व्यवसायी हैं। अम्बाला कैंटोनमेंट में भारतीय थलसेना के प्रदायक हैं। इनकी माँ रीना चोपड़ा परिणीति की शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जींस एंड मैरी से हुई थी। 17 साल की उम्र में वे लंदन चली गई, जहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करी है। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी पर स्प्रिंट करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मेरी प्यारी बिंदु। यह मूवी 12 मई 2017 को थिएटर में रिलीज हुई। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय हैं। इस मूवी को 69% लोगों ने पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। मेरी प्यारी बिंदु 2017 की अक्षय रॉय द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कार्यक्रम में। इसमें आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में। मेरी प्यारी बिंदु सफल नहीं रही क्योंकि ये कहानी कुछ बोरिंग टाइप थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय थे, निर्माता आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा थे। अभिनेता के तौर पर आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य किरदार के रूप में नजर आते हैं। संगीतकार सचिन जिगर थे। वहीं यशराज फिल्म द्वारा इस मूवी को प्रेजेंट किया गया था। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग एक न्यूज स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक औरत के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। उसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर अपने मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है तब उसे याद आता है एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत होती थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी। इन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं, फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था।
और उसका जीवर के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज करता है शादी के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूजियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार टूटा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद बिंदु आयुष्मान के सामने आती है और वो बताती है कि वो इसकी बेटी है। इसके बाद उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। फिर आयुष्मान और बिंदु साथ मिलकर बात करते हैं। इसके बाद आयुष्मान बोलता है कि हम एक हो सकते थे, हमारी शादी हो सकती थी, हमारा परिवार भी होता, हम एक साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद बिंदु बोलते हैं कि हाँ मैंने अपने गुस्से के कारण तुम्हें ठुकरा दिया। उसके बाद बिंदु आयुष्मान को एक किस करती है, जिसके बाद आयुष्मान अपनी कहानी वाली नोट्स उसे देखता है और बोलता है कि मुझे कहानी की एंड में क्या लिखना चाहिए, क्या हम दोनों एक हो गए हैं या हमें ये लिखना चाहिए कि हम दोनों अलग हो गए और तुमने एक दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद बिंदु बोलती है कि तुम्हें कहानी का एंड बिल्कुल ठीक ठाक लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए कि हम दोनों एक हो गए थे। इसके बाद आयुष्मान को सकता है और हमें दिखाया जाता है कि बिंदु और आयुष्मान अपनी पास्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और उनकी खुशबरी लम्हों को याद कर कर और भी खुश हो रहे होते हैं, और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो परिणीति चोपड़ा ने बिंदु शंकर नारायण के, आयुष्मान खुराना ने अभिमन्यु रॉय उर्फ बुल्ला राज भारतदत्ता बुल्ला के पिता, अपराजित अड्डी बुल्ला की माँ, प्रकाश बेलावाड़ी बिंदु की पिता, जून मालिया बिंदु की माँ का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के कुछ बेहतरीन सॉन्ग हैं जो बहुत ही हिट गए हैं। माना इसमें से कुछ सॉन्ग इस प्रकार हैं, माना के हम यार नहीं, हाराए ये जवानी तेरी, इस तरह, खोल दे बाएं, अफीमी, मना के हम यार नहीं, ये इस मूवी के हिट सॉन्ग हैं।
इस मूवी के माना के हम यार नहीं सॉन्ग के लिए वर्षा मुनीर को फिल्म फेयर एसोसिएट गीतकार पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वहीं खोलते बाहे सॉन्ग के लिए मोनाली ठाकुर को फिल्म फेयर एसोसिएट पार्श्व गायिका का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं हम इस मूवी के मेन लीड रोल कैरेक्टर आयुष्मान खुराना की बात करें, जो एक सिंगर होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं, जिन्होंने टेलीविजन शो भी होस्ट किया है, जिन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टीवी शो MTV रोडिस पे अपना दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा। 2012 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विकी डोनर के साथ अपनी शुरुआत की। वीर रूप से सफल दम लगा के हईशा 2015 में भी इन्होंने बेहतरीन अभिनय पेश किया। वहीं बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो, अंधाधुन और आर्टिकल 50 में भी इन्होंने अपना बेहतरीन रोल दिया है। अभिनय के अलावा आयुष्मान खुराना ने अपनी कई फिल्मों के लिए गीत भी गाए हैं, जिसमें पानी दा रंग गीत भी शामिल है, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था। वहीं हम इस मूवी की मेन एक्ट्रेस प्रेरणी चोपड़ा की बात करें, जो भारतीय फिल्म एक्ट्रेस की एक बेहतरीन एक्टर हैं, जिन्हें आज लोगों द्वारा बहुत सारा प्यार और सराहना मिली है। प्रेरणी चोपड़ा ने अपने जीवन के करियर में लेडीज वर्सेस रिकी बहल, इश्क ज्यादे, शुद्ध देसी रोमांस, हंसी तो फंसी, ताव तेज, इल दिल, मेंस वर्ल्ड, रिशम, मेरी प्यारी बिंदु, नमस्ते इंडिया, केसरी, जबारिया जोड़ी जैसी बेहतरीन मूवी की है। परिणीति चोपड़ा ने अपने जीवन में फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, जी सिनेमा अवार्ड, अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूस गिल्ड पुरस्कार, बॉलीवुड हंगामा, सरफर्स चॉइस पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, कॉम्पलेटिक्स निडर मनोरंजन पुरस्कार, ग्लोबल इंडिया फिल्म एंड टीवी ऑनर्स, फिकी फैम पुरस्कार, बिग स्टार युवा मनोरंजन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, हेलो हॉल फैम पुरस्कार, पीपल्स चॉइस पुरस्कार, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड पुरस्कार, स्क्रीन पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, अप्सरा फिल्म और टेलीविजन निर्माता गिल्ड पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा चुका है। प्रीति चोपड़ा के बारे में बताया जाता है कि उनका सपना बैंक निवेशकर्ता बनने का था, लेकिन मैनेजर बिजनेस स्कूल से दीक्षा संसद सम्मान से प्राप्त करने के बाद वह 2009 में आर्थिक मंदी के दौरान भारत वापस लौट आई और जनसंपर्क सलाहकार के रूप में यशराज फिल्म में जुड़ गए। बाद में अभिनेत्री के तौर पर इन्होंने 3 फिल्म में कार्य करने का समझौता किया, जिसके बाद इनकी प्रसिद्धि आज आसमान छू रही है। प्रीति चोपड़ा अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करती है। इनके पिता पवन चोपड़ा एक व्यवसायी हैं। अम्बाला कैंटोनमेंट में भारतीय थल सेना के प्रदायक हैं। इनकी माँ रीना चोपड़ा परिणीति की शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जींस एंड मैरी से हुई थी। 17 साल की उम्र में वे लंदन चली गई, जहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करी है। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप, तो कैसे आप सब लोग? तो आज हम जिस मूवी पर स्प्रिंट करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है मेरी प्यारी बिंदु। यह मूवी 12 मई 2017 को थिएटर में रिलीज हुई। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय हैं। इस मूवी को 69% लोगों ने पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। मेरी प्यारी बिंदु 2017 की अक्षय रॉय द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कार्य फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं। मेरी प्यारी बिंदु सफल नहीं रही क्योंकि ये कहानी कुछ बोरिंग टाइप थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय थे, निर्माता आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा थे। अभिनेता के तौर पर आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य किरदार के रूप में नजर आते हैं। संगीतकार सचिन जिगर थे। वहीं यशराज फिल्म द्वारा इस मूवी को प्रेजेंट किया गया था। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मूवी के स्टार्टिंग एक न्यूज स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक औरत के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। उसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे क्लियर करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर अपने मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, कि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है, तब उसे याद आता है एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। के बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी, लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं। फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जीवर के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी, जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है, इसलिए वो उसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज करता है शादी के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूजियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। इसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद
बिंदु आयुष्मान का प्यार टोरा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद बिंदु आयुष्मान के सामने आती है और वो बताती है कि वो इसकी बेटी है। इसके बाद उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। फिर आयुष्मान और बिंदु साथ मिलकर बात करते हैं। इसके बाद आयुष्मान बोलता है कि हम एक हो सकते थे, हमारी शादी हो सकती थी, हमारा परिवार भी होता, हम एक साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद बिंदु बोलते हैं कि हाँ, मैंने अपने गुस्से के कारण तुम्हें ठुकरा दिया। उसके बाद बिंदु आयुष्मान को एक किस करती है, जिसके बाद आयुष्मान अपनी कहानी वाली नोट्स उसे देखता है और बोलता है कि मुझे कहानी की एंड में क्या लिखना चाहिए, क्या हम दोनों एक हो गए हैं या हमें ये लिखना चाहिए कि हम दोनों अलग हो गए और तुमने एक दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद बिंदु बोलती है कि तुम्हें कहानी का एंड बिल्कुल ठीक ठाक लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए कि हम दोनों एक हो गए थे। इसके बाद आयुष्मान खुश होता है और हमें दिखाया जाता है कि बिंदु और आयुष्मान अपनी पास्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और उनकी खुशभरी लम्हों को याद कर कर और भी खुश हो रहे होते हैं, और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो परिणीति चोपड़ा ने बिंदु शंकर नारायण के, आयुष्मान खुराना ने अभिमन्यु रॉय उर्फ बुल्ला राज भारतता बुल्ला के पिता, अपराजित अड्डी बुल्ला की माँ, प्रकाश बेलावाड़ी बिंदु की पिता, जून मालिया बिंदु की माँ का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के कुछ बेहतरीन सॉन्ग हैं जो बहुत ही हिट गए हैं। माना इसमें से कुछ सॉन्ग इस प्रकार हैं, माना के हम यार नहीं, हाराए ये जवानी तेरी, इस तरह, खोल दे बाएं, अफीमी, मना के हम यार नहीं, ये इस मूवी के हिट सॉन्ग हैं। इस मूवी के माना के हम यार नहीं सॉन्ग के लिए कौशल मुनीर को फिल्म फेयर एसोसिएट गीताकार पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वहीं खोल दे बाहें सॉन्ग के लिए मोनाली ठाकुर को फिल्म फेयर एसोसिएट पार्श्व गायिका का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं हम इस मूवी के मेन लीड रोल कैरेक्टर आयुष्मान खुराना की बात करें जो एक सिंगर होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं, जिन्होंने टेलीविजन शो भी होस्ट किया है, जिन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टीवी शो MTV रोडिस पे अपना दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा। 2012 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विकी डोनर के साथ अपनी शुरुआत की, भी रूप से सफल दम लगा के हैशा 2015 में भी इन्होंने बेहतरीन अभिनय पेश किया। वहीं बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो, अंधाधुन पर आर्टिकल 50 में भी इन्होंने अपना बेहतरीन रोल दिया है। अभिनय के अलावा आयुष्मान खुराना ने अपनी कई फिल्मों के लिए गीत भी गाए हैं, जिसमें पानी दा रंग गीत भी शामिल है, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। वहीं हम इस मूवी की मेन एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की बात करें जो भारतीय फिल्म एक्ट्रेस की एक बेहतरीन एक्टर हैं, जिन्हें आज लोगों द्वारा बहुत सारा प्यार और सराहना मिली है। परिणीति चोपड़ा ने अपने जीवन के करियर में लेडीज वर्सेज रिकी बहल, इश्क जाते, शुद्ध देसी रोमांस, हंसी तो फंसी, दाव देस, किल दिल, मैंस वर्ल्ड, रिशम, मेरी प्यारी बिंदु, नमस्ते इंडिया, केसरी, जबारिया जोड़ी जैसी बेहतरीन मूवी की है। परिणीति चोपड़ा ने अपने जीवन में फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, जी सिनेमा अवार्ड, अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूस गिल्ड पुरस्कार, बॉलीवुड हंगामा, सरफस चॉइस पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, कॉम्पलेटिक्स निडर मनोरंजन पुरस्कार, ग्लोबल इंडिया फिल्म एंड टीवी ऑनर्स, फिकी फैम पुरस्कार, बिग स्टार युवा मनोरंजन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, हेलो हॉल फैम पुरस्कार, पीपुल्स चॉइस पुरस्कार,
बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड पुरस्कार, स्क्रीन पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टार डस्ट पुरस्कार, अप्सरा फिल्म और टेलीविजन निर्माता गिल्ड पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा चुका है। प्रीति चोपड़ा के बारे में बताया जाता है कि उनका सपना बैंक निवेशकर्ता बनने का था, लेकिन मैनेजर बिजनेस स्कूल से संसद सम्मान से प्राप्त करने के बाद वह 2009 में आर्थिक मंदी के दौरान भारत वापस लौट आई और जनसंपर्क सलाहकार के रूप में यशराज फिल्म में जुड़ गई। बाद में अभिनेत्री के तौर पर इन्होंने 3 फिल्म में कार्य करने का समझौता किया, जिसके बाद इनकी प्रसिद्धि आज आसमान छू रही है। प्रीति चोपड़ा अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करती है। इनके पिता पवन चोपड़ा एक व्यवसायी हैं। अम्बाला कैंटोनमेंट में भारतीय थल सेना के प्रदायक हैं। इनकी माँ रीना चोपड़ा परिणीति की शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जींस एंड मैरी से हुई थी। 17 साल की उम्र में वे लंदन चली गई, जहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करी है। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप, तो कैसे आप सब लोग? तो आज हम जिस मूवी पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मेरी प्यारी बिंदु। यह मूवी 12 मई 2017 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय हैं। इस मूवी को 69% लोगों ने पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। मेरी प्यारी बिंदु 2017 की अक्षय रॉय द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में है। मेरी प्यारी बिंदु सफल नहीं रही क्योंकि ये कहानी कुछ बोरिंग टाइप थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय थे, निर्माता आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा थे। अभिनेता के तौर पर आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा मुख्य किरदार के रूप में नजर आते हैं। संगीतकार सचिन जिगर थे। वहीं यशराज फिल्म द्वारा इस मूवी को प्रेजेंट किया गया था। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी के स्टार्टिंग एक न्यूज स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक और के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। उसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे क्लियर करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर अपनी मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है, तब उसे याद आता है एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। इसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। इसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत होती थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को
सिंगिंग का शौक था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी। लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं। फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जीवन के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज करता है शादी के लिए। वहाँ पर बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूजियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार टूटा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद बिंदु आयुष्मान के सामने आती है और वो बताती है कि वो इसकी बेटी है। इसके बाद उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। फिर आयुष्मान और बिंदु साथ मिलकर बात करते हैं। इसके बाद आयुष्मान बोलता है कि हम एक हो सकते थे, हमारी शादी हो सकती थी, हमारा परिवार भी होता, हम एक साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद बिंदु बोलते हैं कि हाँ मैंने अपने गुस्से के कारण तुम्हें ठुकरा दिया। उसके बाद बिंदु आयुष्मान को एक किस करती है, जिसके बाद आयुष्मान अपनी कहानी वाली नोट्स उसे देखता है और बोलता है कि मुझे कहानी की एंड में क्या लिखना चाहिए, क्या हम दोनों एक हो गए हैं या हमें ये लिखना चाहिए कि हम दोनों अलग हो गए और तुमने एक दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद बिंदु बोलती है कि तुम्हें कहानी का एंड बिल्कुल ठीक ठाक लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए कि हम दोनों एक हो गए थे। इसके बाद आयुष्मान खुश होता है और हमें दिखाया जाता है कि बिंदु और आयुष्मान अपनी पास्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और उनकी खुशबरी लम्हों को याद कर कर और भी खुश हो रहे होते हैं, और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो परिणीति चोपड़ा ने बिंदु शंकर नारायण के, आयुष्मान खुराना ने अभिमन्यु रॉय उर्फ बुल्ला, राज भारद्वाज बुल्ला के पिता, अपराजित अड्डी बबुल्ला की माँ, प्रकाश बेलावाड़ी बिंदु की पिता, जून मालिया बिंदु की माँ का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के कुछ बेहतरीन सॉन्ग हैं जो बहुत ही हिट गए हैं। माना इसमें से कुछ सॉन्ग इस प्रकार हैं, माना के हम यार नहीं,
हराए ये जवानी तेरी, इस तरह खोल दे बाएं अफीमी, मना के हम यार नहीं। ये इस मूवी के हिट सॉन्ग हैं। इस मूवी के माना के हम यार नहीं सॉन्ग के लिए कौशल मुनीर को फिल्म फेयर एसोसिएट गीताकार पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वहीं खोल दे बाहे सॉन्ग के लिए मोनाली ठाकुर को फिल्म फेयर एसोसिएट पार्श्व गायिका का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं हम इस मूवी के मेन लीड रोल कैरेक्टर आयुष्मान खुराना की बात करें, जो एक सिंगर होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं, जिन्होंने टेलीविजन शो भी होस्ट किया है, जिन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टीवी शो MTV रोडिस पे अपना दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा। 2012 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विकी डोनर के साथ अपनी शुरुआत की। इस रूप से सफल दम लगा के हैशा 2015 में भी इन्होंने बेहतरीन अभिनय पेश किया। वहीं बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो, अंधाधुन पर आर्टिकल 50 में भी इन्होंने अपना बेहतरीन रोल दिया है। अभिनय के अलावा आयुष्मान खुराना ने अपनी कई फिल्मों के लिए गीत भी गाए हैं, जिसमें पानी दा रंग गीत भी शामिल है, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। वहीं हम इस मूवी की मेन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की बात करें, जो भारतीय फिल्म एक्ट्रेस की एक बेहतरीन एक्टर हैं, जिन्हें आज लोगों द्वारा बहुत सारा प्यार और सराहना मिली है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने जीवन के करियर में लेडीज वर्सेस रिकी बहल, इश्क जादे, शुद्ध देसी रोमांस, हंसी तो फंसी, तावतेज, किल दिल, मैंस वर्ल्ड, रिशम, मेरी प्यारी बिंदु, नमस्ते इंडिया, केसरी, जबारिया जोड़ी जैसी बेहतरीन मूवी की है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने जीवन में फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, जी सिनेमा अवार्ड, अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूस गिल्ड पुरस्कार, बॉलीवुड हंगामा, सरफस चॉइस पुरस्कार, स्टारडस पुरस्कार, कॉम्पलेटिक्स मिडर मनोरंजन पुरस्कार, ग्लोबल इंडिया फिल्म एंड टीवी ऑनर्स, फिकी फैम पुरस्कार, बिग स्टार युवा मनोरंजन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, हेलो हॉल फैम पुरस्कार, पीपल्स चॉइस पुरस्कार, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड पुरस्कार, स्क्रीन पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, सुस्टार डस्ट पुरस्कार, अप्सरा फिल्म और टेलीविजन निर्माता गिल्ड पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा चुका है। प्रियंका चोपड़ा के बारे में बताया जाता है कि उनका सपना बैंक निवेशकर्ता बनने का था, लेकिन मैनेजर बिजनेस स्कूल से दीक्ष संसद सम्मान से प्राप्त करने के बाद वह 2009 में आर्थिक मंदी के दौरान भारत वापस लौट आई और जनसंपर्क सलाहकार के रूप में यशराज फिल्म में जुड़ गई। बाद में अभिनेत्री के तौर पर इन्होंने 3 फिल्म में कार्य करने का समझौता किया, जिसके बाद इनकी प्रसिद्धि आज आसमान छू रही है। प्रियंका चोपड़ा अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करती है। इनके पिता पवन चोपड़ा एक व्यवसायी हैं। अम्बाला कैंटोनमेंट में भारतीय थल सेना के प्रदायक हैं। इनकी माँ रीना चोपड़ा परिणीति की शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जींस एंड मैरी से हुई थी। 17 साल की उम्र में वे लंदन चली गई, जहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करी है। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है मेरी प्यारी बिंदु। यह मूवी 12 मई 2017 को थिएटर में रिलीज हुई। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय हैं। इस मूवी को 69% लोगों ने पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1/10 है। मेरी प्यारी बिंदु 2017 की अक्षय रॉय द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कार्यक्रम है। इसमें आयुष्मान खुराना और परिणीती चोपड़ा मुख्य भूमिका में है। मेरी प्यारी बिंदु सफल नहीं रही क्योंकि ये कहानी कुछ बोरिंग टाइप थी। इस मूवी के डायरेक्टर अक्षय रॉय थे, निर्माता आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा थे। अभिनेता के तौर पर आयुष्मान खुराना और परिणीती चोपड़ा मुख्य किरदार के रूप में नजर आते हैं। संगीतकार सचिन जिगर थे।
वहीं यशराज फिल्म द्वारा इस मूवी को प्रेजेंट किया गया था। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मूवी के स्टार्टिंग एक न्यूज स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक और के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद